बरेली मंडल की नई कमिश्नर महोदया द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही आज अचानक जिला अस्पताल पहुंचने पर कर्मचारियों में मचा हड़कंप। कमिश्नर महोदया ने एक एक चीज का बारीकी से किया निरीक्षण। कमिश्नर महोदया ने आम जनमानस को पूरा लाभ पहुंचाने और उनका ध्यान रखने के कर्मचारियों को दिए निर्देश। कमिश्नर महोदया ने कहा, यदि किसी को भी कोई शिकायत हो तो हम तक पहुंचाए और कोई मामला किसी के भी संज्ञान में आता है तो हम तक पहुंचाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज नवमी के दिन मैंने सोचा सबसे पहले आप ही लोगों से पता चला था अस्पताल के बारे में, तो आज मैंने जिला चिकित्सालय जो मेन है और जिला महिला चिकित्सालय दोनों का आज मैंने निरीक्षण किया। साथ में मेरे साथ एडी हेल्थ एंड सीएमएस साहब, सीएमएस महिला डॉक्टर अलका शर्मा सभी मौजूद थे। तो जनरली जो मैंने पाया यहाँ पे कि महिला अस्पताल तो इज़ एक्सेप्शनली डूइंग वेरी वेल। 500 ऑपरेशंस अगर महीने में हो रहे हैं, दिन में अगर ऑन एन एवरेज 5 सिजेरियन ऑपरेशंस हो रहे हैं, ओटी देखा मैंने, सभी पेशेंट से भी मैंने बातचीत की, तो यहाँ तो ओपीडी भी अच्छा चल रहा है। तो महिला चिकित्सालय में तो मात्र खाली जो कमी है वो कुछ डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए तो वो पूरे प्रदेश में जैसे एक क्राइसिस है उस पे अलग से कोशिश करेंगे शासन से। जो जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय में लार्जली ओपीडी में बहुत प्रेशर देखा हमने, लंबी लाइन्स हैं, विच मीन्स दैट यहाँ पे बरेली में अभी भी जो रिलायंस है, लोगों का जो फेथ है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए ओपीडी में प्रेशर है। बाकी जो सर्जरी वाला जो सेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो रनिंग प्रिटी वेल। जो चिंता की बात है वो एक तो जो पता चला कि जो एक बड़ा आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तैयार हुआ है, हाँ जी, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किस तरह से फुल कैपेसिटी यूज़ हो, आई थिंक दैट वही एक सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है, उसको कैसे यहाँ से प्रेशर कम करके, चाहे वो पैथोलॉजी का हो, चाहे वो ओपीडी का हो, चाहे वो बेड्स का हो, यहाँ से किस तरह से हम प्रेशर कम करें और अधिक से अधिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि बताया गया है, मुझे एडी साहब ने बताया इट इज़ वेरी मॉडर्न, हैज़ ऑल द राइट इक्विपमेंट्स, तो उस पर एक थोड़ा हमें अलग से CMO एडी साहब एंड CMS इनके साथ बैठ के एक पूरे दिन की चर्चा करने के बाद एक वो निकल के देखना पड़ेगा और उसकी भी साइट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि वहाँ पे ये शिफ्टिंग क्यों फंसा हुआ है। दैट्स लार्जली वन थिंग। और बाकी क्लीनलीनेस की अगर बात कहें तो जनरली इट्स वेरी क्लीन। एक जगह रोड थोड़ी धसी हुई है और सीवर का प्रॉब्लम CMS साहब ने बताया है, तो वो नगर निगम के साथ टाई अप करके, ये कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज हैं, इस पे ज़रूर टाई अप करके देखते हैं कि क्या उचित समाधान उसका निकलता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।